सदियों से हमारे देश के साहित्यकारों का उद्देश्य मनुष्य की प्राणात्मा में विद्यमान दीपशिखा को जागृत करके उसकी अंतरात्मा को रोशन करना रहा है। उन्हीं साहित्यकारों को समर्पित है और उन पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम। सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तर प्रदेश की सौंदर्य स्थली कौसानी के ब्राह्मण परिवार में 20 मई सन 1900 की सुबह हुआ था। उनकी मां सरस्वती मूर्छित अवस्था में बेटे को जन्म देकर इस संसार को छोड़ गई। इस निर्मम आघात को प्रकृति सहन न कर सकी और उस बच्चे के लिए उसने मां का रूप धर लिया। पंत के शब्दों में, मां से बढ़कर रही धात्री, तू बचपन में मेरे हित, धात्री कथा रूपक भर, तूने किया जनक बन पोषण, मातृहीन बालक के सिर पर वरद हस्त धर गोपन। प्रकृति में मां के रूप के साथ पिता, शिक्षक, भाई, बहन और सखा को पाकर पंत उससे अपने मन की बातें करते। जीवन में कठोर परिस्थितियों को झेलकर भी वो अपनी संगिनी प्रकृति की तरह मन से कोमल ही बने रहे। प्रकृति के स्नेह आंचल से बंधे वो उसे देख खुशी से झूम उठते, उससे दूर होकर वियोगी हो जाते। वो प्रकृति के प्रेम को देख कहते हैं, ज्ञात रहस्य मुझे अब क्यों एकाकी जीवन, निज करुणा में मुझे वर लिया तुमने गोपन, नहीं जानता मां तुम कब कैसे आती हो, बन जीवन प्रेरणा नित्य नव मुस्काती हो। उनके पिता गंगादत्त पौसानी के पास चाय बागान में मैनेजर थे और घर पर लकड़ी का व्यापार था। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में पंत सुख सुविधाओं के बीच पले। चौथी कक्षा तक कौसानी में पढ़कर पंत अल्मोड़ा के गवर्नमेंट स्कूल में आ गए। नेपोलियन की तस्वीर देखकर बचपन में ही पंत ने अपने रेशमी घुंघराले बाल लंबे कर लिए थे, जो जीवन भर लंबे ही रहे। बचपन के गोसाई दत्त नाम को दाखिले के समय बदलकर उन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रखकर 10 वर्ष की उम्र में ही अपनी सृजनशीलता का परिचय दे दिया। अल्मोड़ा में पंत ने हारमोनियम और तबले की संगत पर गीत गाने के साथ कविताएं व कहानियां भी लिखना शुरू कर दिया। उसी समय में एक साधु से प्रभावित होकर वो घर त्याग उसके साथ चले गए। बड़े भाई को मालूम हुआ तो समझाकर वापस घर ले आए, परंतु साधु संतों से मिलने दिन रात गर्मी सर्दी को भूल मीलों दूर चले जाते। उनका मां आनंदमयी तथा अन्य साधु संन्यासियों से गहरा संबंध रहा। उनसे मिलकर वो आनंदित हो उठते, स्वयं को भूल जाते। ईश्वर में उन्हें गहरी आस्था थी। रोज ध्यान में बैठना उनकी आदत थी। कभी कभी तो कई दिनों तक ध्यान में रहते, परंतु अपने लेखन को लेकर वो निश्चिंत और भगवान पर आश्रित होकर कहते, क्या सोचकर कोई लिख सकता है, उसे जब लिखाना होगा लिखवाएगा। ईश्वर को वो मानव हृदय में धरती पर पाने की इच्छा में लिखते हैं, ईश्वर पीछे तुम क्यों इतने पागल मन, जीवन स्तर पर मुझे चाहिए ईश्वर दर्शन, संभव तभी समग्र रूप में प्रभु के दर्शन, जब वे तन मन प्राण हृदय पर जन के धारण। अल्मोड़ा की पढ़ाई के बाद कुछ महीने बनारस में पढ़कर वो भाई देवी दत्त के साथ 19 वर्ष की आयु में प्रयाग आ गए। प्रयाग में म्योर सेंट्रल कॉलेज में दाखिला लेकर हिंदू हॉस्टल में रहने लगे। हिंदू हॉस्टल में हुए कवि सम्मेलन में जब पंत ने कोमल कंठ से कविता पाठ किया तो सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उसके बाद उनके बिना कवि सम्मेलन फीके माने जाने लगे। जो नजाकत और नरमी उनके स्वभाव में थी वही उनकी रचनाओं में भी रही। 25 वर्ष के ऊपर तक वो स्त्रीलिंग में कविताएं लिखते रहे। इस विस्तृत हॉस्टल में मैं सुनती हूं, मेरा भी सखी है छोटा सा रूम, जहां मेरी आकांक्षा सूम,
गूंजती है प्रतिपल को तुम। इन असंख्य मृदु कंठ स्वरों में मिला हुआ है अली मेरा भी कंपित स्वर अति दीन। गांधी जी ने छात्रों से असहयोग आंदोलन में भाग लेने का आग्रह किया तो 21 वर्ष की उम्र में पंत कॉलेज छोड़कर आंदोलन से जुड़ गए। आंदोलन के लिए कार्य करते हुए भी रचनाएं लिखते रहे। पिता उनके भविष्य के लिए चिंतित रहते। वो समझ नहीं पाते थे कि पंत अपना निर्माण कर रहे हैं या समय व्यर्थ कर रहे हैं। वीणा और ग्रंथि के बाद पल्लव काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ जिसमें पंत ने खड़ी बोली के रूखेपन को संवार कर उसमें सरलता, कोमलता और सौंदर्यता के भाव भर दिए। पंत के शब्दों में, वीणा और पल्लव मेरे प्राकृतिक सहचर काल की रचनाएं हैं। तब प्रकृति में मुझे पूर्णता का आभास मिलता था, वो मेरी सौंदर्य लिप्सा की पूर्ति करती थी। घर पर सभी उनके विवाह न करने पर चिंतित थे। आरंभ में पंत की आर्थिक स्थिति व्यवस्थित बसाने में बाधक रही और जब तक परिस्थितियां सुधरी वह खुले आकाश के स्वतंत्र पंछी हो चुके थे। बचपन से ही जिसे साधु वेश और प्रकृति से लगाव हो गया हो वो किसी सुंदरी के बंधन में फंसता भी कैसे। वो स्वयं लिखते हैं, छोड़ दुर्गों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। इस मान्यता पर कि विवाह के बिना जीवन अधूरा रहता है वो बोले, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई अपूर्णता तो रहती ही है। जीवन स्वतः अधूरा है, पूर्णता तो मन में है। मुझे व्यक्तिगत सुख की चिंता कभी नहीं हुई। जड़ चेतन की खूबसूरती, रहस्य, चिंतन और मनन से मुझे अवकाश ही नहीं मिला। पंत मानव जीवन में स्वतंत्रता होना आवश्यक मानते थे, विशेषकर नारी की स्वतंत्रता। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण उदय तभी संभव है जब नारी स्वतंत्र वातावरण में जी रही हो। उन्होंने लिखा, मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंधनी नारी को। नारी के प्रति विशेष सम्मान उनकी इन पंक्तियों में दिखता है, घने लहरे रेशम के बाल धरा है सिर पर मैंने देवी, तुम्हारा यह स्वर्गिक श्रृंगार। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही थी। पहले जमीन जायदाद बिकी, फिर कर्ज उतारने को अल्मोड़ा का घर भी बेचना पड़ा। घर की हालत के साथ ही पंत की बहनों तथा भाई की मृत्यु के आघात को उनके पिता सह न सके और प्रयाग में उनका स्वर्गवास हो गया। 28 वर्ष की उम्र में इतने आघात एक साथ सहकर पंत विरक्ति की भावना में डूब गए। ऊपर से शांत रहते परंतु उनकी मानसिक स्थिति उनके इन शब्दों में साफ झलकती है, वन की सूनी डाली पर सीखा कली ने मुस्काना, मैं सीख न पाया अब तक सुख से दुख को अपनाना। दुख को भूलने की कोशिश में कुंवर सुरेश सिंह के निवेदन पर सन 1931 में वह काला कांकर चले गए, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण पंत के लिए वरदान सिद्ध हुआ। गांव के पास जंगल के बीच टीले पर बने छोटे से बंगले को उन्होंने रहने के लिए चुना और नाम दिया नक्षत्र। काला कांकर में लगभग 10 वर्ष रहकर उन्होंने गुंजन, ग्राम्या, ज्योत्सना, युगांत और युगवाणी जैसे अमर ग्रंथों की रचना की। 1934 से 1936 तक वो अल्मोड़ा में जाकर भाई के पास रहे, जहां उन्होंने अपना समय अध्ययन में बिताया। लौटकर फिर काला कांकर चले गए। गुंजन में जीवन संबंधी विचारपूर्ण और प्रणय कविताएं हैं। पंत के अपने शब्दों में, गुंजन मेरी आत्मा का गुंजन है। ज्योत्सना 5 अंकों की नाट्य कृति है, परंतु फिर भी यह कृति कविता का आनंद देती है। युगांत में कवि मनुष्यता के विकास का आकांक्षी है। पंत के अनुसार, युगांत में मैंने पहली बार प्रकृति के मुख से आंख हटाकर मानव मुख को पहचानना सीखा है। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ,
जिसमें मानव हित हो समान। पंत गांधी को महामानव महात्मा मानते थे। जिन परिस्थितियों में गांधी जी ने सत्य अहिंसा का प्रयोग किया उसके प्रति पंत के मन में गहरी श्रद्धा थी। तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। युगवाणी और ग्राम्या में पंत ने अपने युग की कहानी को वाणी दी है। उनके शब्द थे, मेरे सौंदर्य प्रेमी हृदय को काला कांकर आदि गांवों की अत्यंत दयनीय अवस्था को देखकर कठोर आघात लगे हैं। ग्राम्या में गांवों की दशा का यथार्थ चित्रण है और दरिद्रता अपमान दुख एवं अभाव का साक्षात्कार है। यहां नहीं है चहल पहल वैभव विस्मित जीवन की, यहां डोलती वायु म्लान सौरभ मरमरले वन की, आता मौन प्रभात अकेला संध्या भरी उदासी, यहां घूमती दोपहरी में स्वप्नों की छाया सी। कठोर वास्तविकताओं से साक्षात्कार कभी कभी कवि को इतना दुखी कर जाता है कि वो कह उठते हैं, वहीं कहीं जी करता मैं जाकर छिप जाऊं, मानव जगत के क्रंदन से छुटकारा पाऊं। सुरेश सिंह दंपति के लिए पंत काला कांकर में मेहमान बनकर नहीं घर के सदस्य ही थे। सुरेश सिंह के अनुसार, इनके साथ मेरे जीवन के 10 वर्ष कितने आनंद से बीते हैं उसकी तुलना हमारे जीवन के सारे सुखों से भी नहीं हो सकती। श्री पंत जी की तरह कोमल और सरल स्वभाव का व्यक्ति मेरी दृष्टि में दूसरा नहीं। उनको मैंने कभी किसी की बुराई करते सुना ही नहीं, कभी नहीं। जो आदमी रोज मिल रहा हो उससे कभी तो किसी सिलसिले में कभी कुछ हो सकती है बात, क्यों कहे कि फलां शख्स ऐसा है नहीं है, कभी नहीं। उन्होंने कभी कोई बुराई नहीं की और सीधे इतने थे कि नए नए तुक्कड़ कवि जिन्हें कुछ करना धरना नहीं आता, लेकिन वो भी अगर आते थे अपनी कोई नई किताब लेके और कहते थे पंत जी से कि आप इसकी भूमिका लिख दीजिए, तो पंत जी कभी उनको ना ही नहीं कर सकते थे, उनकी भूमिका लिख देते थे। और कभी कभी ये भी कह देते थे कि तुम लिख लाओ हम दस्तखत कर देंगे। 1940 खत्म होने तक उन्हें लगा कि अब उनका कार्य वहां समाप्त हो गया है और वो फिर साल भर के लिए अल्मोड़ा चले गए। वहां वे उदय शंकर संस्कृति केंद्र के संपर्क में आए। 3 महीने उन्होंने उदय शंकर के दल के साथ भारत भ्रमण भी किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में हो रहे अत्याचारों ने उन्हें दुखी और अस्थिर बना दिया। अंदर की भटकन उन्हें लिखने नहीं दे रही थी। 1940 में वो कई बार पांडिचेरी गए। श्री अरविंद के दर्शन से उनके मन को शांति मिली। पंत ने लिखा है, श्री अरविंद के संपर्क से मेरा मानसिक क्षितिज व्यापक गहन और सूक्ष्म बन सका। श्री अरविंद के संपर्क के बाद लिखी रचनाओं को पंत ने चेतनावादी काव्य कहा, जिसमें स्वर्ण किरण स्वर्ण धूली उत्तरा रजत शिखर शिल्पी सौवर्ण वाणी कला और बूढ़ा चांद लोकायतन काव्य संग्रह है। कवि की धारणा स्पष्ट है कि बाह्य दृष्टि को विज्ञान तथा अंतर्दृष्टि को ज्ञान से समन्वित करके ही जीवन में सुख शांति आ सकती है। पंत नर नारी संबंधों को बाधक न मानते हुए कहते हैं, मन से होते मनुज कलंकित, रज की देह सदा से कलुषित, प्रेम पतित पावन है तुमको रहने दूंगा मैं न कलंकित, प्रेम मुक्ति है प्रेम ही सृजन, सुख दुख में आनंद जहां। 1947 का अगस्त देश की आजादी की खुशी के साथ अत्याचारों का दुख भी लाया। ऐसे में अपने पड़ोसियों की जान बचाने के लिए सुकुमार कवि योद्धा की तरह डटे रहे। मानव हित करना वो अपना धर्म समझते थे। पंत अच्छे बुरे का भेद न कर
सदैव ही मानव हित में लगे रहे। एक व्यापक सहानुभूति उनके अंदर थी और किसी की आर्थिक सहायता करने से चूकते नहीं थे। बौद्धिक और भावना की दृष्टि से भी वे बहुत ही दुखी हो जाते थे अगर किसी को दुखी देखते थे। तो भिखारियों को भी, रिश्तेदारों को भी, और जो अपने से दूर के लोग हैं, मित्र हैं, उनको भी दुख में हमेशा आर्थिक दृष्टि से मदद करना वे जानते थे, देखते थे। जाने अनजाने, अच्छे या बुरे, सभी लेखकों की भूमिका लिख कर देते देख महादेवी वर्मा नाराज होकर बोली, न भाषा न भाव, आप ऐसी रचनाओं की भूमिका क्यों लिखते हैं? ये साहित्य का अहित है। पंत बोले, कोई कुछ मांगे और मैं मना कर दूं, ये संभव नहीं। वो कहते, दुनिया में खुशी अपने को अर्पित करके ही मिलती है। तो जहां पर वो एक जगह पे इतने सीधे साधे निश्चल आदमी थे, वहीं पर दूसरी जगह बहुत ही अपने विचारों में बहुत संयत लेकिन बहुत कड़े, आप उनको हिला डुला नहीं सकते थे। किसी समय किसी भी प्रश्न पर, साहित्यिक प्रश्न पर, किसी भी जो उनकी उस वक्त की समझ है वो बहुत ही साफ तरीके से उनके जहन में नक्श है। आप उनको चाहिए कि इधर उधर बहला दें, फुसला लें, टहला दें, तो ये गैर मुमकिन। उत्तरा काव्य संग्रह में कवि ने परमात्मा से धरती को मंगलमय करने तथा सबके अंतर को प्रकाशित करने की प्रार्थना की है। इसमें नव मानवता के मानसिक आरोहण की चेतना है। एक कली यह मेरे पास, तुम चाहो इसको अपना लो, कर दो इसका पूर्ण विकास। इसी वर्ष उनकी ममेरी बहन शांता उनके पास रहने आई, जो जीवन के अंतिम क्षण तक वहीं रही। 50 वर्ष की उम्र में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो में परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष तक रेडियो के कार्य को सुचारू रूप से चलाते हुए इन्हीं वर्षों में उन्होंने रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा और सौवर्ण काव्य संग्रह लिखे, जिनमें कवि ने उस युग की अनेक समस्याओं पर विवेचनात्मक दृष्टि डाली है। उनके अनुसार मानव को अपना सोच तथा दृष्टिकोण व्यापक बनाना होगा। कवि लिखते हैं, आओ हम अंतः प्रतीत को धर्म बनाएं, आओ हम निष्काम कर्म को धर्म बनाएं। उनका एक ही विचार रहा, जब हम समाज के लिए उदार तथा अपने लिए आलोचनात्मक होंगे तभी हमारी उन्नति संभव है। आलोचकों के तीखे प्रहार झेलकर भी उनमें प्रतिशोध की भावना कभी नहीं उठी। वे कहते, मैं निर्माण करना चाहता हूं, इन बातों से आदमी कीचड़ में फंसता है। वो किसी व्यक्ति को बुरा नहीं मानते थे, बिना भेदभाव के उन्होंने सबको स्नेह दिया। उनके पास ढेरों दुख भरे पत्र आते, दुखिया, निर्धन, अबलाएं व छात्र उनसे अपने दुख कहते तो पंत की आंखें भर आती। किसी भी मानव का दुख वो अपना दुख समझते थे। 25 अप्रैल 1955 को उनके भाई देवी दत्त की कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। उदासी और अकेलेपन को झेलते हुए उस पूरे वर्ष पंत स्टेनली रोड के मकान में महीनों पेड़ पौधे लगाते रहे या अपने साथी पेड़, फूल, चिड़िया और गिलहरियों से बातें करते रहते। पेड़ पौधों और लताओं के बीच कहते, कितने प्रसन्न है ये सब, अपने में मग्न। मनुष्य ने अपना जीवन कितना कठिन और कलुषित बना दिया है, अपने कर्म को भूलकर राग द्वेष में फंसा है। किसी भी पौधे को वो काटने नहीं देते थे। माली की गलती से कोई पौधा सूख जाए तो दुखी होकर उससे कहते, मैंने पाला पोसा और तुमने इसे मार दिया, ये हमारे बच्चे हैं, इनकी देखभाल ठीक से किया करो। आंगन में कोई नया फूल खिलता तो चहक उठते, उसे बार बार जाकर देखते, उससे बातें करते
और दुलार थे। कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह पर 1961 में उन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया। इसी वर्ष राष्ट्रपति की ओर से पंत को पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तभी लोकायतन महाकाव्य एक विवादग्रस्त कृति के रूप में सामने आया। लोकायतन छपा था जो उनका महाकाव्य है, तो उसको लेके एक गोष्ठी हुई, आलोचना गोष्ठी हुई, और उस आलोचना गोष्ठी में बहुत से नए कवि और ये सब लोग इकट्ठा हुए थे। और ठीक है कि आपको किसी की कोई कविता ना पसंद आए, मुझे खुद लोकायतन टुकड़ों में अच्छा लगता है, पूरा बहुत अच्छा नहीं लगता। श्री अरविंदो का जिस तरह का असर उनकी कविता पे पड़ा, बहुत से उनके प्रेमियों को अच्छा नहीं लगा। वो जो कि पल्लव वो गुंजन के समय के उनके प्रेमी थे, और वो भी जो कि युगांत और ग्राम्या के प्रेमी थे, बाद वाला परवर्ती जो उनका काव्य है। तो लेकिन जो मुझको जो बात नागवार गुजरी थी, जो बात बहुत गलत थी, कि इस तरह से एक आप एक कुचक्र रचते हैं किसी आदमी को नीचा गिराने के लिए, उसका माहौल उड़ाने के लिए। तो उन्होंने अंत में बात सब खत्म करने के बाद कहा था कि मैंने तो अपनी समझ में एक मंदिर बनाया था, आपको अगर उसमें दुर्गंध आती है तब मेरा दुर्भाग्य है, मैं और क्या कहूँ। ऐसा कुछ करके उन्होंने बात को ख़त्म किया था। और मैंने ये देखा था कि स्याही फिर गई थी तमाम, वो लोग जो कि ये सब कर रहे थे उनके चेहरे पे स्याही फिर गई थी। वास्तव में लोकायतन भाव प्रधान काव्य है जिसमें विश्व चिंतन की भावना है। 1965 में पंत को लोकायतन के लेखन पर सोवियत नेहरू पुरस्कार से विभूषित किया गया। उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से साहित्य वाचस्पति की उपाधि तथा तभी रत्नाकर पुरस्कार भी मिला। 1966 में पंत रूस की यात्रा पर गए। 1967 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि दी। 1968 में उन्हें चिदंबरा काव्य संग्रह पर भारतीय ज्ञानपीठ का साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। उस समय उन्होंने कहा, अपनी कृति चिदंबरा को पुरस्कार मिलना मैं केवल एक संयोग मानता हूँ। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में आज कितने ही महान सृजक तथा प्रभावशाली लेखक विद्यमान हैं, उनमें अपनी गिनती करने में मुझे संकोच का अनुभव हो रहा है। 1971 में पंत की बहन शांता 2 महीने की बच्ची को गोद ले आई। पंत ने उसे नाम दिया सुमिता पंत। मां न होने के कारण पंत के बचपन में जो अधूरापन रह गया था, उसे वो सुमिता के बचपन को खुशियों से भर कर पूरा करना चाहते थे। उन्हें देख लगता जैसे वह उसके साथ अपना बचपन भी जी रहे हैं। सुमिता ने पंत के जीवन को उल्लास और प्रेम से भर दिया। कवि के शब्दों में, जब से तुम मेरे घर आई, जीवन के प्रति बदल गई मेरी सारी धारणा भावना, घर का भी जो मानचित्र ही संवर गया हो। मेरे बचपन की यादें मुझे आज भी इतनी अच्छी तरह याद हैं कि लगता ही नहीं कि वो दिन बीत चुके हैं। दद्दू मुझे इतने नामों से बुलाया करते थे कि बस सुम्मी, मुनिया, चुनिया, जितने नाम उनके मन में आ सकते थे वो बोलते रहते थे, और इतने प्यार से मुझे बुलाते थे कि मैं दौड़ी चली आती थी। रोज सुबह वो सुंदर सुंदर फूल मेरे मसहरी के ऊपर डाल देते थे। 73 वर्ष की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक से गुजरना पड़ा। उसके बाद तो बीमारियों ने मानो उनको घेर ही लिया, कुछ न कुछ लगा ही रहता। लोकायतन के बाद पौ फटने से पहले किरणवाणी, पतझड़, गीतहंस, शंखध्वनि, शशि की तरी, समाधिता कृतियां प्रकाशित हुईं, जिन्हें विकासवादी कहा गया। पंत ने बहुत कम गद्य रचनाएं लिखी थीं। उपन्यास हार, कहानी संग्रह 5 कहानियां तथा नाटक ज्योत्सना, इनके अतिरिक्त शिला और दर्शन, छायावाद पुनर्मूल्यांकन तथा 60 वर्ष 1 रेखांकन जो उनकी आत्मकथा है। पंत को प्रकृति के कवि के रूप में ही सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिली है।
वो हिमालय की गोद में पले, इसलिए सौंदर्य बोध ने उन्हें बचपन से ही प्रभावित किया। वह उनके चिंतन भाव तथा संपूर्ण चरित्र में रच बस गया, जिसने उनके काव्य में कोमलता के साथ एक संयम का तत्व भी भर दिया। खड़ी बोली की प्रकृति में कोमलता और विलास की गुंजाइश नहीं है, इस भ्रम को भी पंत ने तोड़ा। यही कारण है कि पंत की रचनाएं छायावाद के समस्त काव्य में अपनी अलग पहचान रखती हैं। कवि कहते हैं, मुझे रूप ही भाता, प्राण रूप ही मेरे उर में मधुर भाव बन जाता। प्राण रूप का सत्य रूप के भीतर नहीं समाता। बचपन से वो मुझे सिखाते थे ये फूल है, ये सुंदर है, तरह तरह की कहानियां बनाते थे उन फूलों के बारे में, उनको नाम देते थे और ऐसा लगता था कि फूल हमारे परिवार हैं। वे उनके बारे में, उन गुलाब के बारे में और जितनी भी फूल होते हैं सभी के बारे में कहानियां बना बना के मुझे सुनाते थे और मुझे लगता था ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे, क्योंकि और कोई, मेरे बचपन में बिल्कुल अकेली थी, मेरा कोई साथी नहीं था, तो मुझे लगता था कि हमारे घर के जो फूल और पेड़ हैं वे ही मेरे साथी हैं। पंत को ज्योतिष में बहुत रुचि थी। कुंडली में अपनी ग्रह चाल देखकर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि यदि 28 दिसंबर का समय निकल गया तो मैं जीवित रहूंगा, वरना कठिन है। जीवन भर उन्हें ईश्वर में गहरी आस्था रही। मृत्यु उसी से मिलने का दूसरा नाम है, इसलिए उन्हें मृत्यु का भय न था। सुमिता को बढ़ते देखने की इच्छा उन्हें जीने को बाध्य करती थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। 28 दिसंबर 1977 की रात उन्हें अचानक सीने में दर्द उठा। शांता उन्हें अस्पताल ले गई, परंतु वहां पर दिल के दौरे से पंत निढाल होते गए। पंत ने जीवन भर ईश्वर के सिवा किसी दूसरे को पाने की चाह नहीं की। मन से वो पूरी तरह उसी को समर्पित रहे, लेकिन अब समय था उनके पूर्ण समर्पण का। शरीर को छोड़कर आत्मा का परमात्मा में विलीन होने का। कवि ने स्वयं ही कहा था, वही अंत में होता जीवन में निशंसय, जो चिर मंगलमय ईश्वर को होता स्वीकृत।